गोच्छामि समेपाहुर मृणमो सुतके विलीभनदम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे संसार सागर तारव दिन वाणी छेनो कावली ज्ञानी सुखानी मल्या विनाए नाव कण तारे आकाल माशो धात्म ज्ञानी सुखानी समयसार जी परमागम है, इसकी आठवीं गाथा है। वास्तव में तो शुरुआत छठी से है, तो छठी से लो तो तीसरी गाथा है। मूल बात जो कहना है, मूल में मूल, मतलब मूल बात तो समयसार में है, पर छठी गाथा सातवीं गाथा में मूल है। ऐसा कुंद आचार्य ने 2000 वर्ष पहले ये लिखा है, 1000 वर्ष बाद की टीका है, और उसके 1000 वर्ष बाद कोई उन्हीं की कैटेगरी का सिर्फ वस्त्र पहने महापुरुष हुआ, उसने इस जगत के सामने उनका हृदय खोल के रख दिया है। इस समय सार शास्त्र तो था पर बंद था, प्रतियां भी नहीं थी, पढ़ने वाले भी नहीं थे और भाव समझने वाले भी नहीं थे। पर एक काल ऐसा है कि प्रतियां श्रोता के हाथ में है और वो पढ़ भी रहा है और समझ भी रहा है। सारे काम अभी 50-60 साल से एकदम रिवर्स हो गया मामला। पर कौन को हुआ? सबको हुआ क्या? ज़्यादा का टाइम तो विरोध करने में ही गया है। ऐसे इन गाथाओं को बहुत बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करना चाहिए। ऐसे प्रकरण अध्यात्म के और सुनने को जीव को अनंत काल में मिलते नहीं हैं। चौथी गाथा में आया ना, है सर्वशुद्ध परिचित अनुभूत भोग वंदन की कथा, सुनने में आई, परिचय में आई और अनुभव में आई है, पर एक कथा तो सुनी नहीं है, कभी सुनी नहीं है ये कथा। ऐसी बात इन गाथाओं में है। आई आठवीं गाथा में, जैसी कल अपन ने बात की थी, आठवीं गाथा का जन्म क्यों हुआ कि तुम है? हाँ, जो तुमने व्यवहार को निषेध किया है, ये तीन प्रकार के व्यवहार का निषेध छठी गाथा में किया और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का विषय का निषेध ये सातवीं गाथा में किया, तो ऐसे निषेध करते हो तो इसको जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश देने की जरूरत क्या है? जिसका निषेध करना हो उसका उपदेश क्यों देना? उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है। हेडिंग भी पढ़ा था ना कल अपन ने, देखो। अब यहाँ पुनः प्रश्न यह प्रश्न उठाए कि यदि ऐसा है माने कैसा है कि इस तरह से छठी सातवीं गाथा में व्यवहार का निषेध किया है, तो यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही माने निश्चय का ही उपदेश देना चाहिए। व्यवहार किस लिए कहा जाता है? और देखो, नहीं समझ में आए अभी, उसको इतनी तो समझ में आया कि निश्चय का उद्देश्य ही कार्यकारी है, ये बात तो बराबर उसको लग गई, पर ये व्यवहार का उपदेश दिया ही क्यों, ये प्रश्न है। तो उत्तर में बहुत गजब की बात उदाहरण से कही है। कल अपन ने उदाहरण तो पढ़ लिया था, थोड़ा सिद्धांत भी पढ़ा था, तो उदाहरण आज नहीं पढ़ेंगे,
आज सिद्धांत पढ़ेंगे। देखो देखो यहाँ से ये टीका है ना, टीका में नीचे से चौथी लाइन, इस पेज पर 19 पेज पर नीचे से चौथी लाइन देखो, ये उसकी उसकी उदाहरण की बात हो गई, अब इसके बाद सिद्धांत की बात करते हैं। इसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द कहने पर, जैसे उदाहरण में कहा था ना, शब्द क्या कहा था, स्वस्ति, तो ऐसे एक ज्ञानी पुरुष ने उस सामने वाले श्रोता को कहा कि आत्मा, तो आत्मा है तो उसको समझ में नहीं आया, जैसे स्वस्ति समझ में नहीं आया था, आत्मा क्या है। ऐसा आत्मा शब्द कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से, जैसे उसे स्वस्ति शब्द का ज्ञान नहीं था, ऐसे ही इस कौन से जीव को, व्यवहारी जन को। अरे व्यवहारी जन ऐसा क्यों कहा, सम्यक दर्शन के बिना तो व्यवहार होता ही नहीं है, पर ये व्यवहारी जन का अर्थ क्या है। व्यवहारी जन का अर्थ जिसने अनादि से आज तक ये व्यवहार का ही उपदेश सुना है और व्यवहार को ही निश्चय माना है, ऐसा ये व्यवहारी जन नहीं मानता है। जैसे छठी गाथा के हिसाब से लो तो मैं रागी द्वेषी हूँ, है कि नहीं है, और असद्भूत व्यवहार में लो तो मैं, कर्म मेरे हैं, शरीर मेरा है, ये सब को अपना जाना माना है इसने, तो इसलिए सामान्य शब्द कहा कि जिसको निश्चय का पक्ष कभी ना आया हो, व्यवहार का ही पक्ष रहा हो, पक्ष व्यवहार का पक्ष व्यवहार नहीं है, व्यवहार का पक्ष मिथ्यात्व है। व्यवहार तो सम्यक दृष्टि को होता है, समझ में आया जिनेश जी, व्यवहार ये नहीं, व्यवहार का पक्ष ये मिथ्या दर्शन है, तो एकांत है ये। और उस ये यहाँ क्या, व्यवहारी जन, तो व्यवहारी जन का अर्थ जिसने अनादि से व्यवहार का ही उपदेश सुना और उसको ही निश्चय माना, ये निश्चय का कभी सुना नहीं उसने, तो ये जो कहा आत्मा, तो उसकी समझ में आया नहीं, वो समझ में आया नहीं कि आत्मा का अर्थ क्या है। देखो आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से कुछ भी न समझकर मेंढे की भांति, ये सब बात कल गई थी, मेंढा क्यों लिया है, हाँ भेड़ की इच्छा, और वो अनुसरण करने में एक्सपर्ट रहता है, जो एक वो देखा उसका, देखा कभी, ये अपन रोड पर जाते हैं तो कभी कभी झुंड निकलते हैं, उनकी निगाह नीचे नहीं होती है। वो ऐसे दूसरे उदाहरण है, जो अमेरिका से आते हैं ना लोग, तो यहाँ बिल्कुल फ्रीली कार चलाते हैं, आप नहीं चला सकते आत्मा अमेरिका में, आप अमेरिका में कार चला नहीं सकते, तो यहाँ के गए लोग हैं वो अमेरिका में बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है, बस चलाते, वहाँ तो अपन देखते हैं ये तो बढ़िया कार चलाते, देखो फिर तो जब यहाँ आके वो चलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये ठोक नहीं दे कहीं, हाँ तो वो जो है, क्योंकि वहाँ से फिर उल्टा है, तो अब उनकी वो आदत में आ गया, यहाँ आए तो अपने को डर लगता है कि ये कहीं, तो पूछा कि भाई कि तुमको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती है, कि कुछ नहीं है, कि क्यों, कि हम रोड देखते ही नहीं, हम तो हमारे जो आगे जा रहा है उसको देखते, नहीं समझ में आया, सामने वाला किधर जा रहा है उधर जाना है हमें, तो इसलिए हमारा यहाँ वहाँ भी एक्सीडेंट नहीं होता है, समझ में आया क्या कहा, हमको रोड नहीं देखना दायां बायां, ये आगे वाला किधर जा रहा है, बस ऐसे ही यहाँ पर वो भेड़ चलती है ना, वो नीचे निगाह करती, वो तो देखे आगे वाली कहाँ जा रही, समझ में आया उदाहरण आगे वाली कहाँ जा रही, उसको ही उसको अनुसरण करना है, इसलिए मेंढे का उदाहरण लिया है, क्योंकि यहाँ भी ज्ञानियों को उपदेश, ज्ञानियों ने उपदेश दिया कि तुम
अज्ञानी तुम व्यवहारी जन, तुम ज्ञानियों का अनुसरण करना, आए समझ में? इस मेंढे का लिया उदाहरण देखो, मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किंतु टकटकी लगाकर क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया है। परंतु टकटकी लगाकर देखने का अर्थ क्या है कि नहीं समझ में आया तो उठ के क्यों नहीं भगा कि मेरी समझ में तो नहीं आता है, कि समझने की जिज्ञासा है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया है तो छोड़ दो, छोड़ो कोई बात नहीं। ये सभी लोग हैं ना, बहुत सारे बहुत जगह जाते हैं ना, तो वहाँ ऐसे पूजा पाठ करने वाले को तो ढेर है, तो वहाँ आते उनसे पूछा कि भाई ये आप पूजा करते हो, भगवान क्या कहते हैं, कुछ शास्त्र वगैरह? इस काल में कुछ नहीं होता है, इस काल में मोक्ष होता नहीं, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए अपन तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं बस, इससे आगे इस काल में कुछ होता ही नहीं। ऐसा कह के ये परम सत्य मार्ग का जिनेन्द्र की पूजा कर करके उनके अवर्णवाद खड़ा करते हैं। भगवान ने कब मना किया है कि यहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता है? भगवान ने कब मना किया है कि यहाँ पर छठा सातवां गुणस्थान नहीं होता है? हाँ, ये जरूर किया है, कहा है कि इस काल में श्रेणी मांडने की योग्यता वाले जीव जन्म नहीं लेते हैं, ये कहा है। ऐसे काल शब्द समझ में आया, ऐसे पुरुषार्थी जीव यहाँ जन्म पर मोक्ष नहीं होता, मुनि दशा नहीं होती, ये कहाँ से लाए तुम? इस का पंचम काल में तीन केवली मोक्ष गए हैं, गए कि नहीं? तीन केवली मोक्ष गए तो कहां से चले गए? तुमको तो कुछ करना नहीं, बस या नहीं करने का बहाना ढूंढते, पर ये उठ के नहीं गया है, ये तो टकटकी लगाकर देखता है, बहुत एकाग्रता से बिल्कुल उनकी तरफ देखता है कि ये क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आया तो भी ऐसा टकटकी लगाकर आंखें फाड़कर, देखो टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, ओह, व्यवहार परमार्थ मार्ग का मतलब निश्चय और व्यवहार दोनों के मार्ग के ज्ञाता, ज्ञाता वो चलते उनके परिणति में दोनों मार्ग है। ऐसे आचार्यों की ध्यान से सुनना, परिणति में दो मार्ग है पर उपादेय एक है, परिणति में दो ही है, उपादेय एक है। ऐसे पर व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथ, देखो क्या क्या उदाहरण है ये, तो नहीं था उनका कृष्ण सारथी थे वो, ऐसे यहाँ सम्यक ज्ञान रूपी महारथ, सामान्य रथ नहीं, महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति, ये सबके किसके विशेषण है ये, जो ये उपदेश दे रहे हैं उनके है, चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार्य, दो चीज हो सकती है ना, एक जिन्होंने आत्मा कहा वो भी ऐसे हो सकते हैं, और अन्य कोई भी ऐसा उपदेश दे, दो, अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाले स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाते हैं। व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, व्यवहार मार्ग माने आत्मा को समझाने के लिए व्यवहार मार्ग खड़ा करते हैं, व्यवहार मार्ग अनुसरण करने के लिए नहीं, समझाने के लिए। व्यवहार आत्मा का व्यवहार क्या, ये दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चरित्र वाला है, ये व्यवहार है। आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि, देखो अब क्या अर्थ बतलाया उन्होंने, आत्मा शब्द का अर्थ क्या बतलाया कि दर्शन ज्ञान चरित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। अभी देखो यहाँ सीधा ये नहीं बताया है कि राग वाला आत्मा है, समझ में आया? छठी गाथा का की बात, पर्याय की बात, राग की बात, प्रमत्त की बात, ये सीधा नहीं लिखा,
क्या कहा, निकटवर्ती सेठ है ना, सिर्फ व्यवहार कौन सा लिया, गुणगुणी का भेद का व्यवहार लिया। मार्मिक बात है, देखो राग वाला आत्मा है, शरीर वाला है, कर्म वाला है, धनवान है, उद्योगपति है, नेता है, ऐसा ऐसा नहीं लिया है, क्योंकि ये तो ये जो नाम लिए हैं ये तो वाय उपचरित असद्भूत व्यवहार ने के संयोगों का ज्ञान कराती है। यहाँ तो राग वाला भी आत्मा नहीं कहा है, क्योंकि जो निकटतम व्यवहार छूटकर अनुभूति होती है वो ये व्यवहार है कि दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है कि ये तीन कहे तो मैं अखंड हूँ, बस इतना अनुभूति हो जाती, इतने में अनुभूति होती है। पर वो बात करे राग वाला हूँ तो फिर तो अभी फिर कहेंगे कि वितरागता क्या है, तो एक विकल्प छोड़ के फिर दूसरे में। इसलिए कुंदकुंद आचार्य ने प्रमत्त की भेद ज्ञान अलग और अप्रमत्त का भेद ज्ञान अलग ऐसा भी नहीं किया, एक एक गाथा में निपटा दिए, दो ही एक गाथा में तीन व्यवहार। और जो सबसे सूक्ष्म है, अंतिम है, इसके बाद तो आत्मा का अनुभव ही होता है, उसकी बात पूरी अकेले की सातवीं गाथा में की है। उसको यहां कहा कि देखो कि वो आत्मा शब्द का क्या अर्थ किया कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो, माने जो तीनों काल दर्शन स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, चारित्र स्वभावी है, कब है, सदा, देखो सदा प्राप्त हो। आत्मा कभी भी इन तीन स्वभाव को छोड़ता नहीं, अभी पर्याय की बात नहीं लेना, देखो बिल्कुल इस सदा इन स्वभाव में रहता है, ऐसा उसको आत्मा का, आत्मा शब्द जो कहा था उसका अर्थ बताया। तो ये अर्थ बताया कैसे, अर्थ कैसे बताया कि अभेद आत्मा में ये भेद किया है, भेद किया है, अभेद आत्मा में ये भेद किया, भेद किया माने उसके टुकड़े करे, ऐसा नहीं है, ये वो समझाने के लिए ये भेद करना माने अभेद वस्तु में भेद करना, ये भेद क्या चीज है, ये कैसा व्यवहार है, किस प्रकार इसको कहेंगे। छठी गाथा सातवीं गाथा में क्या कहा था, अभेद को मुख्य करके भेद को गौण करके व्यवहार कहा। मुख्य क्या है, अभेद है, भेद मुख्य नहीं है, इसलिए भेद को गौण करके व्यवहार का, भेद को गौण करके व्यवहार का। तो खड़ा क्यों किया, व्यवहार के बिना तुम्हारे समझ में नहीं आता, व्यवहार नहीं समझाना है, व्यवहार से समझाना है, ऐसा व्यवहार नहीं समझाना है, क्योंकि ये तो अभी इस गाथा में आए ना, व्यवहारी जन तो अनादि से ही है, व्यवहार का पक्ष वाला तो अनादि से ही है, उसको व्यवहार क्या समझाए, उसको तो निश्चय परमार्थ समझाना है। ये कहते हैं देखो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा, आत्मा शब्द समझाना है ना, तो उसका बताया कि ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी, सदा ही दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी है, ये आत्मा में परखा करता हूं, ऐसा आत्मा में एक भी गुण नहीं है। अभी देखो आत्मा की बात करेंगे, दूसरे पर पदार्थों की बात नहीं करेंगे, आत्मा में एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जो पर का कुछ भी कार्य करे। कि ठीक है साहब, हम पर का कुछ भी आज से नहीं करेंगे, परंतु पर से हम कार्य तो करवा सकते हैं कि नहीं, डॉक्टर क्यों अभी दोनों को मिला के बाद में कहेंगे, अभी एक एक करते हैं, अभी एक एक की बात करें कि जैसे पर का काम करने का आत्मा में एक भी गुण नहीं है, ऐसे ही आत्मा का कोई काम करे तो ऐसा आत्मा में करवाने का भी गुण नहीं है। क्या कहा, करने का गुण नहीं, कराने का गुण नहीं, ऐसा नहीं समझना कि आत्मा में ज्ञान गुण है एक जानने का और जनाने का छह द्रव्य में है तो आत्मा में भी है, ऐसा नहीं लेना, यहाँ
आत्मा में करने का भी गुण नहीं है और इसका काम कोई करे ऐसा भी कि ये करवा ले किसी से अपना काम, ऐसा भी गुण नहीं है आत्मा में। गजब है। अब क्या सिद्धांत निकला? अभी तो एक वो 14वें नंबर, 14 है ना, अकार्य कारण तो शक्ति 14 नंबर की है। आत्मा किसी का कारण भी नहीं और किसी का कार्य भी नहीं, ये बात आ गई है, शक्ति है 14 नंबर की। समय सार होगा तब बात करेंगे उसकी। ऐसे आत्मा में ना किसी का कुछ कर सकता है ना किसी का से कुछ अपना करवा सकता है। तो जब ये कहा जाता है ना कि जो मानी लोग होते हैं ना, उनको ऐसा मानस रहता है उनका, हम तो देखो किसी से करवाएंगे नहीं और करेंगे तो सही है, दूसरे से सेवा नहीं नहीं नहीं, हमको ही कम है क्या, हम तो कर लेंगे, पर हमको तो दूसरों की सेवा करना। और उस परिणाम को जो कि पहले भाव समझना, देखो क्या डॉक्टर क्या कह रहे, वो उन्हें नहीं पोसाता है हमारी कोई मदद करे, नहीं ये तो हीन काम है, हम तो कर सकते हैं ना किसी का, अपने आप को जरा मान में रखे, नहीं हम तो कर सकते हैं ना किसी का, पर वो किसी का बिगाड़ वाला नहीं है, किसी का भला कर सकते हैं ना हम, किसी का भला कर सकते हैं ना हम, तो भला तो करना चाहिए ना, पर हम कोई छोटे नहीं हैं इसलिए हम किसी से करवाएंगे नहीं, पर करेंगे ना दूसरे का, ऐसा मानकर अपने को धर्मात्मा कहलाते हैं कि हम जगत में धर्मात्मा है, वो वास्तव में रिजल्ट देखा जाए तो पुण्य भी हाथ में नहीं आता है, पुण्य भी नहीं आता है हाथ में, एक तो कर्ता बुद्धि का महापाप और दूसरा वो कुछ मदद की तो कुछ लोभ कषाय कम हुई पर मान कषाय तो तीव्र हो गई है उस समय, मान कषाय तीव्र हो गई है, अब बोलो क्या लाभ होने वाला है डॉक्टर उसको, ये धर्म तो कषाय मात्र के विरुद्ध में खड़ा है, वीतराग स्वभाव लेकर, वीतराग स्वभाव और वीतराग परिणति, बस ये जैन धर्म है, इससे आगे कोई जैन धर्म नहीं, इससे इसके अलावा भी नहीं और इसके आगे भी नहीं। समझ में आया क्या कहा? नहीं तो माने ऐसा नहीं, मैं देखो मैं करवाऊंगा, नहीं तो कर तो सकता हूं कि साहब, कोई ये कहे कि हम करवाते तो नहीं है, करते ही हैं, तो कहते हैं कि आप करते कम हो करवाते ज्यादा हो, यही समझ में आया, आप कहे कि साहब हम करते ही हैं दूसरे का भला, हम तो बड़े आदमी हैं हम दूसरे से क्या काम करवाएंगे, तो के नहीं तुम करते तो बिल्कुल नहीं हो करवाते ही ज्यादा हो। ये कहाँ से लाए बात कि करवाते ही ज्यादा हो? कमल जी समझ में आया, करवाते ज्यादा हो, तो ये कैसे बात है? हम तो उल्टा समझते हैं, हम तो करवाते नहीं किसी से, हम तो करते ही करते हैं, हम संपन्न हैं, हम तो ये सब करते हैं, शरीर से भी हमारा है कि हम थकते नहीं हैं तो हम खूब काम करते हैं, देखो दूसरे का भी करते हैं, पर आप तो कहते हो करते कुछ नहीं हो करवाते ही ज्यादा हो, एक कैसे बात बैठे मिथ्या दृष्टि को कि करवाता नहीं है। ए बता, आत्मा तो ज्ञान और आनंद स्वभाव ही है, तेरे को दोनों चीज आत्मा में नहीं आती नहीं दिखती है कि मेरा स्वभाव ये है, तू अपने आनंद का कार्य अनंत पर द्रव्यों से करवाता है कि नहीं? बोल, धन मुझे सुख दे, मुझे परिवार सुख दे, मुझे व्यापार सुख दे, मुझे पद सुख दे, मेरे को पुण्य का उदय सुख दे, बोलो मानता है कि नहीं? वो कहता है कि मैं कहाँ कर पर से करवाता हूँ। ये कहना, ये बात क्यों पड़ी? क्योंकि अज्ञान जब बहुत स्थूल होता है तो उसको अपनी भूल क्या है ये ख्याल में नहीं आती है, ये भूल तो कोई जिनागम पढ़ के और महामंद कषाय रूप प्रवर्तन हो उसका तब उसको भूल ख्याल आती है, नहीं तो तीव्र कषाय में तो भूली ख्याल नहीं आती है कि गड़बड़ कहाँ है। और अभी समझ में आया, ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये तो ये समयसार ग्रंथ ऐसा है कि जैसे वो सपेरा होता है ना, सपेरा, वो उसको कह दो कि इस घर में 25 सांप है तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से खींच खींच कर सबको निकाल लेता,
ऐसे ये समय सार ये अंदर जो इतने मिथ्यात्व के परिणाम आतत्व श्रद्धान रूप परिणाम पड़े हैं अंदर, उनको एक एक को खींच खींच कर बाहर निकालता है। कहाँ से कि मैंने तो इस घर में एक देखा था, ये 20 कैसे निकले कि तुझे दिखाई नहीं देते थे, क्या समझ में है? गारुड़ी मंत्र है ऐसा, एक गारुड़ी युगल जी कहते गारुड़ी मंत्र है ये। ये समय सार की गाथा है, वो तो बहुत लोरियां है ये, लोरियां कैसी लोरियां विजय जी, कि माता की लोरी सुना सुलाती है, और ये समय सार की लोरियां अनादि की नींद से जगाती है। अनादि की नींद कौन सी है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ये अनादि की नींद है, उससे जगाती है। ऐसा ये कहा कि वो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वो आत्मा है। ये क्या क्या आत्मा को मानता था, और आचार्य किसको कहते हैं आत्मा की दर्शन ज्ञान। यह ध्यान रखना कि यहां छठी गाथा में जो व्यवहार का निषेध किया था उस व्यवहार संबंधी विकल्प को नहीं कहा। क्या राग वाला आत्मा है? नहीं कहा। दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है, ये व्यवहार अनुपचरित सद्भूत व्यवहार इसकी बात की है, ऐसा समझ में। तब तत्काल ही, देर नहीं, तत्काल ही, जैसे उदाहरण है तत्काल वाला, तत्काल वाला उदाहरण है, है? और वैराग्य भावना पढ़ते हैं कि नहीं वज्रनावी चक्रवर्ती की, तो उन्होंने आचार्य ने उनके पास आके बैठे चरणन में दिठी दीनी, और फिर भवतन भोग स्वरूप विचार्यो। आचार्य ने कहा ना भव का स्वरूप, भोग का स्वरूप, तन का स्वरूप, तीन स्वरूप विचार, और विचार करके तुरंत ही वहीं सुना और वहीं दीक्षित हुए। ये नहीं कि मैं घर घर जाता हूँ, बहुत महंगे कपड़े पे राजा हूँ ना मैं, चक्रवर्ती हूँ, जो घर के कपड़े बदल के आता हूँ मैं, ऐसा नहीं कहा। वहीं भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, बस क्या विचार आया कि ये मैं पर और राग से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा विचारा और वहीं काम किया, ऐसे कहते हैं। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे ज्ञान तरंग उछलने लगती है, ऐसा वह व्यवहारी जन, देखो व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेता है। इसका अर्थ क्या कि सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, समझ में आया? ये बात अपन ने यहाँ तक कर ली थी, इसमें एक बात जो और कहना थी, इसमें 5 लब्धियाँ घटती है विजय जी, ध्यान से सुनना। 5 उसमें मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार है ना, सम्यक्त के पूर्व 5 लब्धियाँ, इसमें 5 लब्धि घटती है। देखो कैसे घटती है, वहाँ से सिद्धांत से लेना पड़ेगा शुरू से। देखो जो पढ़ा है ना आज, कल नहीं, आज जो पढ़ा, इसी प्रकार व्यवहारी जन पिछले पेज पर 19 पेज पर, इसी प्रकार वही चौथी लाइन नीचे से, इसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से कुछ भी न समझकर का अर्थ क्या है? डॉक्टर बहुत बहुत विचार करना, उपयोग यहीं रखना, कुछ भी ना समझकर का अर्थ क्या है कि ये समझने का पात्र तो है, अगर नहीं होता तो ऐसा कहने की जरूरत क्या थी कि ना समझकर, समझ में आया? इसका अर्थ है कि इसको क्षयोपशम लब्धि तो है। क्या कहा जिने जी, समझ में आया? कुछ भी ना समझकर इसका अर्थ के समझ तो सकता है, ये समझ सकता है माने इसका ज्ञान अभी इस योग्य है कि ये अगर थोड़ा पुरुषार्थ करे तो समझ जाएगा, पूरा
समझने की सामर्थ है। ये समझने की सामर्थ को यहां पर क्षयोपशम लब्धि का, क्योंकि ये असैनी नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इस एक इंद्रिय और असैनी जीव का, जीवों का ये क्षयोपशम जो ज्ञान होता है असैनी तक का, ओ उसको पांच लब्धि वाली क्षयोपशम लब्धि नहीं कहते हैं। वो काय की लब्धि क्षयोपशम तो है, पर क्षयोपशम लब्धि नहीं है। तो क्षयोपशम किस काम का है? संसार बढ़ाने के काम का है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक, तो वो क्षयोपशम लब्धि नहीं है। क्षयोपशम तो है, क्षयोपशम तो एक इंद्रिय को भी है, पर ये जो समझने की योग्यता ज्ञान की, इसका नाम क्षयोपशम लब्धि। अब देखो, कुछ भी न समझकर मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, ये विशुद्धि लब्धि है। क्योंकि ये सुनकर भागा नहीं है, ये भाग जाता तो विशुद्धि नहीं होती। माने क्या कि इस ये जो सुना तो इसको अंदर से सुनने की समझने की जिज्ञासा हो गई है, ये जिज्ञासा विशुद्धि लब्धि है। ये अकेली मंद कषाय का नाम सब जगह पर विशुद्धि लब्धि नहीं लेना। विशुद्धि लब्धि में कषाय मंद होती है, परंतु हर तरह की कषाय की मंदता का नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है। जरा कड़क बात कहूं विजय जी, ये पूजा पाठ आदि का परिणाम विशुद्धि लब्धि नहीं है। ये भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी की बात है ये। वो दान आदि का परिणाम ये तो नहीं है वो, क्योंकि वो भी मंद कषाय है। क्योंकि मंद कषाय में देने का भाव होता है, तीव्र में तो आने दो। ये है मंद में निकलता है, आए मेरे भी पैसा इतना है तो कुछ काम, धर्म के काम, पर के काम आए, ये कषाय की मंदता। इसका नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है दिनेश जी, अलौकिक बात है। तो इसको ये टकटकी लगा के देख रहा है, इसको विशुद्धि लब्धि है क्या? हाँ, इसको विशुद्धि लब्धि है। क्यों विशुद्धि लब्धि है? कि ये सुनकर के और वहीं डटा हुआ है, ये चला नहीं गया है वहां से, और टकटकी लगाकर देखता है कि जो इन्होंने कहा है आत्मा शब्द, उसका अर्थ मेरे तुरंत समझ में आ जाए। समझ में आया नहीं है, समझ में आया नहीं है, परंतु ये टकटकी लगा करके अपनी उस आत्मा शब्द को समझने की जो जिज्ञासा व्यक्त की इसने, इसका नाम विशुद्धि लब्धि है। समझ में आया? अरे समझ में डॉक्टर, अन्यथा कोई बात लेना नहीं। क्योंकि सामान्य परिभाषा विशुद्धि लब्धि की कषाय की मंदता है, ये भी कषाय की मंदता ही है, पर हरेक कषाय की मंदता का नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है। नहीं, बस बस बस, आत्मा समझने के विकल्प को, तीव्र जिज्ञासा को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। आए समझ में? देखो, टकटकी लगाकर देखते रहते, कितनी हो गई? दो ही। अब देखना, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति, एक बात, अन्य कोई आचार्य अथवा जो आत्मा शब्द कहने वाला था, वो ऐसे आत्मा शब्द को कहने वाला एक कौन है? ये उपदेशक है। देशना लब्धि कौन ने कहा? उपदेशक है ये, अभी नहीं है ये देशना लब्धि, ये उपदेशक है। अभी ये किसके विशेषण का है? ये उपदेशक के विशेषण का है। अभी देखो, इसलिए कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ का अर्थ जो हमने सुन रखा है उतना अर्थ निकाल करके संतोष धारण नहीं करना, नहीं तो वर्तमान में जो सूक्ष्मता है वो हाथ नहीं आएगी। डॉक्टर, ये तो उपदेशक का स्वरूप है ये। देखो फिर से, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले
सारथी की भांति या अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द कहने वाला स्वयं ही, अब देखो, व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, यहाँ तक उपदेशक है, रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। ये उपदेश है, ये देशना है, ये देशना लब्धि नहीं है, ये देशना है। वो उपदेशक था, समझ में आ रहा है, वो उपदेशक था, ये देशना है ये। और इस देशना को सुनी और वो विचार करने लगा, इसका नाम देशना लब्धि है। भैया क्या जैन धर्म में आए, जन्म हुआ और ये रहस्य नहीं समझा तो कौन सा जैन में जन्म अवतार लेने का इंतजार है? नहीं आ रहा समझ में कि घटन जा रहा है? यदि भेद करके समझना, ये सामान्य शब्द तो देशना लब्धि, उसमें तीन चीज है। देशना में दो चीज है, एक तो कहने वाला और एक क्या कहता है, और इन दोनों की प्राप्ति अनंतवार हुई, उपदेशक भी मिले और उपदेश भी मिला, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है। देशना है, दोनों का नाम मिला, उपदेशक मिला और उपदेश दिया, तो ऐसा अनंतवार सीधा समोचरण में इसने आत्मा का स्वरूप सुना है, वो सिर्फ देशना रही, लब्धि नहीं हुई। लब्धि कब होती है? लब्धि इसकी पर्याय है, उपदेशक पर जीव है, उपदेश जड़ है। क्या है, समझ में आया? उपदेशक पर जीव है, उपदेश वाणी जड़ है, और देशना लब्धि, लब्धि ये इसकी पात्र जीव की पर्याय है। ये तीन चीज अलग अलग है, पर हम वो दो चीज को, पहली वाली को मिलाकर देशना कह दे रहे, और जो स्वरूप नहीं समझते हैं वो तो सिर्फ सुनने मात्र को ही देशना लब्धि कहते हैं। ये बिल्कुल बात सत्य नहीं है। कमल जी समझ में आ रहा है? ऐसा स्वरूप, सबकी बातें अलग अलग लिखी है इसमें, नहीं? हाँ वो बात अलग है, बिल्कुल बात अलग है, पर अभी क्रम से लेना एक एक बात को। यहाँ लब्धि देशना लब्धि वाले को नीचे नहीं पहचाना है, पहुंचाना है, जिससे ये कहें कि इसको देशना लब्धि भी अनंतवार हुई है, ये नहीं बात कहना है। अभी देशना लब्धि करा के आगे भेज रहा है, तो ढीला हो जाएगा, अरे ऐसी देशना लब्धि तो मैंने अनंतवार हो गई मेरे को, ऐसा नहीं करना है। जो प्रसंग है उसके हिसाब से बात करना है, समझो। देखो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है, ये देशना है। और उसी समय, तो इस उसी समय क्या हो रहा, क्योंकि वो टकटकी लगाकर देख रहा है ना, तो एकदम से अर्थ विचारने लगा कि ये आत्मा शब्द का, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ उसको आत्मा कहने से ख्याल में नहीं आया था, और जैसे ही ये भेद करके व्यवहार से समझाया कि दर्शन ज्ञान चारित्र मय आत्मा है, तो वो एकदम से उसका विचार नहीं करने लगा कि ये आत्मा का अर्थ है, इसका नाम देशना लब्धि है। अब देखो, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, ज्ञान तरंगे उछलने लगती हैं। क्या हुआ अब कि जैसे उसने ये विचार किया कि आत्मा, अभी विचार क्या किया देखो, जो उसको समझ में नहीं आया था वो समझ पे, आत्मा शब्द, वो आत्मा शब्द का अर्थ उसने विचारना शुरू किया, तो ये हुई देशना लब्धि। और अर्थ जैसे विचार करते करते उसको उसमें अपूर्वता आई है। कौन सी अपूर्वता? जैसे सातवें अधिकार में है ना, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये प्रायोगिक लब्धि आ गई। ये जो उसमें अपूर्वता आई, काय में आई, आत्मा शब्द का अर्थ विचारा, वो तो हुई देशना लब्धि। पर उस अर्थ के विचारते समय में, विचारने में जो शुद्धात्मा के स्वरूप में अपूर्वता आई है,
उसका नाम, उस अपूर्वता का नाम प्रायोग लब्धि है। अभी कहां बात की उसकी, अभी उसकी बात नहीं की है, अभी तो सिर्फ सुनकर आत्मा शब्द का अर्थ उसको ख्याल में आया, विचारने लगा, ये है देशना लब्धि। अब विचारते विचारते उसको इस आत्मा के स्वरूप में अपूर्वता आने लगी है, अपूर्वता आने लगी कि मैंने तो ये बात कभी अनादिकाल से आज तक सुनी नहीं थी, ऐसा मेरा स्वरूप है, इसका नाम प्रायोग लब्धि है। ये आ गई प्रायोग लब्धि। अब देखो, अब प्रायोग लब्धि के बाद की बात है ये, क्या ऐसा वह व्यवहारी जन नहीं, तब तत्काली उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, ज्ञान तरंगे उछलने लगती है, वो आत्मा शब्द का स्वरूप जान गया है। बोध तरंगा है ना, तो आत्मा के स्वरूप को जान गया है, तो जान गया कब कहलाता है, जब मान गया हो तब। जानना कब कहलाता है, जब मान, क्यों साहब पहले भी जानता था तो आत्मा ऐसा ऐसा है, उस जानने का नाम जानना नहीं है, वो तो क्षयोपशम ज्ञान का भेद है, वो नई बात है। पर इस जान गया है उसके साथ आनंद की तरंगें उठ गई है, उसको अतींद्रिय आनंद का स्वाद आ गया है, इसका नाम करण लब्धि है। समझ में विजय जी, ये गाथा में लिखा है, देखो अमृत चंद्राचार्य ने पांचों लब्धि सिर्फ इतने से चार लाइन के पैराग्राफ में है, पांचों लब्धि सम्यक दर्शन के पूर्व जो होती है, और जो करण लब्धि आई उसका फल सम्यक दर्शन है। हाँ अच्छी तरह बस हो गया, अच्छी तरह समझा, सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया है। हाँ करण लब्धि, करण लब्धि, अब ये करणानियोग नहीं बताना है, करण लब्धि में आ गया तो उसको करण लब्धि और फल एक ही बात है। यहां करण लब्धि हमको करण लब्धि नहीं बताना, करण लब्धि में आ गया तो उसको अनुभव हो गया, बस इतना बताना। अब ये थोड़ी बताना कि अधय करण कब हुआ था, नहीं अपूर्व करण कब हुआ था, ये हमें नहीं बताना कुछ भी, ये विषय समय सार का है ही नहीं। तीन करण के परिणाम समय सार का विषय नहीं है, ये गौण सार का विषय है। ये समझ में, यहाँ तो करण लब्धि में आ गया, इसको नियम से सम्यक दर्शन है। और कैसे हो गया, ये आय लिखा है ना कि अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, क्योंकि ज्ञान से बात उठाई थी ना आत्मा जानने के लिए, बोध तरंगे ज्ञान तरंगे उछलने लगती है, ऐसा वह व्यवहारी जन, जो पहले कहा ना व्यवहारी जन, उस आत्मा शब्द के अर्थ को क्या कैसे अच्छी तरह समझ लेता, देखो जान लेता ऐसा नहीं लिखा, तो समझने में ज्ञान और दर्श श्रद्धा दो ही लेना, समझ गया है मैंने उसका ज्ञान और श्रद्धान दोनों सम्यक हो गए, ऐसा आत्मा शब्द का अर्थ समझ गया है। डॉक्टर कितनी अपूर्व बात है, इस काल में इस शुद्धात्मा का अनुभव कैसे होता है, ऐसे जीव को सुनना एक कोई अनादि काल का सर्वसे उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कम नहीं समझना ऐसे ये सुनने की घटना जो हो रही है विजय जी, ये बहुत ऊंचे पुण्य का उदय है। राजा महाराजा बनना, ये तो प्रधानमंत्री बनना, ये तो बहुत हल्का पुण्य का उदय है, हल्का है वो बहुत। ये पुण्य का उदय ऐसा है कि ये जीव अनंत सुखी होता है, इस पुण्य के उदय में अपना भेद ज्ञान करके, पुण्य के से भेद ज्ञान करके, और इसके उदय में जो तत्व की बात सुनने में मिली उस तत्व में उपयोग लगाए तो अनंत सुखी होता है। तब कहा जाता है कि इसके पुण्य का उदय था, जिस पुण्य के उदय में पाप करे वो काय का पुण्य का उदय है। समझ में आया कमल जी, ऐसे समझना पड़ेगा, हाथ जोड़ने से काम थोड़ी चलता है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, वास्तव में नहीं आएगा, ऐसी अपूर्वता लाना चाहिए, अपूर्वता लाना चाहिए। ये वास्तव में क्या अवसर है, ये कैसे, कितने कितने लोग खड़े हैं। हेमंत भाई तो कहते हैं, हेमंत भाई गांधी है ना, वो कहते हैं कि इस ग्रंथ के कर्ता है कुंद कुंदाचार्य, टीकाकार अमृतचंद्राचार्य,
भाषा के वो भावार्थकार जयचंद जी छावड़ा, ये अलग अलग काम किया तीनों, पर एक महापुरुष इस काल में ऐसा हुआ है जो तीनों के ऊपर जिसने प्रवचन किए, ये एक प्रवचनकार इस युग का एक ही प्रवचनकार है। कौन है वो? गुरुदेव श्री है। तीनों का हृदय खोलने वाले इस काल में अपने को मिले हैं। आई तो जरा अपना मानसिक वातावरण भी बनाना चाहिए कि नहीं? संडे का इंतजार है कि नहीं है? है कि नहीं संडे का इंतजार? नहीं होता फायदा तो मनाने का ही के लिए और फायदा गिने नहीं, सिर्फ जाके वहाँ मनोरंजन करे, पाप ही बांधेगा। ये यहाँ तो कितनी इस काल की अपूर्वता है कि ऐसी बात सुनने को मिली है। देखो आज तो गुरुदेव ने प्रवचन में इंदौर के सेठ का नाम लिया था। कौन है मालूम है? हुकुमचंद जी। वो तीन बार गए ना वहाँ, तीन बार गए वहाँ, और वहाँ गए जो पहली बार गए तो कितने 30-32 विद्वानों को लेके गए। वो तो क्या उनके साथ सब चलता था, 32 विद्वान लेके गए और वहाँ गुरुदेव का प्रवचन सुनाया सबको, जबकि 32 के 32 ही गुरुदेव के विरोधी थे, एक भी फेवर का नहीं था, 32 के 32 विरोधी थे। और वहाँ जब गुरुदेव का प्रवचन हुआ तो खड़े होके प्रवचन के बाद जब सेठ साहब बोले तो कहा कि कांजी स्वामी की बात विद्वानों को समझना पड़ेगा, ऐसा अगर आपको सुनना है प्रवचन तो पहले तीन प्रवचन क्रमबद्ध पर्याय के सुनना, उसमें है ये, उसमें गुरुदेव ने बोला है। प्रवचन तीन है ना, पहला दूसरा तीसरा, उनमें तीन में चौथे में चार सुनना, चार में गारंटी से। ये लिखा कि स्वामी जी ने कहा कि ये जो बात है स्वामी जी की, ये सब विद्वानों को समझना पड़ेगा। पर गुरुदेव ने एक और बात कही थी, वो मैं नहीं कहूँगा। अरे जिनेश जी कह रहे कह दो, कम से कम दो लोग तो कहो कि कह दो। इसीलिए तो उनकी जिम्मेदारी तो कह देते हैं। उनने ये कहा कि ये तो कहा उन्होंने कि विद्वानों को भी पंडितों को भी उनकी बात समझना पड़ेगा, पर खुद समझते नहीं थे। एक ये साथ में कहा गुरुदेव ने, खुद नहीं समझते थे। अरे कहाँ तो कोई हर किसी के बस का, ये आत्मा की बात समझना हर किसी के बस का नहीं है। हर किसी का ये तो कोई निकट भव्य हो उसके कान में पड़े तो वो बोले नहीं, जगत से अपना काम करके चला जाता है, चुपचाप अपना काम, जैसे सोगानी जी शरीके अपने काम करके चले गए, कोई से बोले नहीं। क्या बोलना है जगत से कि अनंत वार ऐसा मुंह धारण किया, जगत ही जगत तो बोला है, क्या बोले अब जगत के बारे में? कान में जगत की सुनी है अनंत वार, तो क्या अब सुनाए दूसरे को, क्या सुने और क्या सुनाए उसको? जो एक चीज नहीं सुनी थी वो सुने। और यहां तो कहते हैं ये पांच लब्धि के बाद ये जो आनंद, अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, आनंद तरंगे उछलने लगती है, ऐसा वह व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है। ये उसको पांच लब्धि के बाद आत्मानुभूति माने सम्यक दर्शन हो गए। कहाँ तो आत्मा शब्द नहीं जानता था, देखो तो सही, आत्मा। और ऐसा गुरु मिला कि जिसने, अभी देखो ये गाथा का भाव थोड़ा कि अभी अपने को अपने पुरुषार्थ उग्र करने की मुख्यता से ये प्रकरण दोबारा लिया है, नहीं तो गाथा में तो ये कहना है कि ये जो आत्मा उसको समझ में नहीं आया था, अभेद अखंड आत्मा उसकी समझ में नहीं आया था, तो ज्ञानी गुरु ने उसको आत्मा में से तीन भेद करके समझाया, ये व्यवहार का उपदेश दिया। इसलिए तुम जो कहते थे कि व्यवहार का निषेध किया है तो व्यवहार का उपदेश क्यों देते हो? गाथा तो इतने में बात हो गई पूरी कि ये व्यवहार का उपदेश वो निश्चय को समझाने के लिए दिया था, बस इतना कहना था। पर इसमें से ऐसी बात निकालना कि वो जीव तुरंत ही सम्यक दृष्टि हो गया है, पांच लब्धि उसको हो गई है, ये कहा। इस प्रकार अब देखो, जगत तो मलेच्छ के स्थान पर होने से, क्या कहा, सारा जगत कि सारे जगत को जैनी भी तो है कि नहीं, उसमें आर्य लोग भी सारे को मलेच्छ, अरे मलेच्छ का अर्थ व्यवहारी जन माने मिथ्या दृष्टि, ये लेना अर्थ,
स्थान पर होने पर और व्यवहार नए ये मलेच्छ भाषा के स्थान, क्योंकि भेद करके उसको समझाया ना, व्यवहारी को भेद करके समझाया तो वो व्यवहारी था वो मलेच्छ, और ये जो व्यवहार किया ये मलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का प्रतिपादित कहने वाला है। कौन कहने वाला है? व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला है। अगर ये तीन आत्मा दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चरित वाला ये अखंड आत्मा को नहीं बताए, उसका प्रतिपादन नहीं करे तो इसका नाम व्यवहार नहीं है। याद है व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है और निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी ये बात, बोलो डॉक्टर। व्यवहार पहले, व्यवहार निश्चय, हाँ बहुत बढ़िया। पहले व्यवहार ले तो व्यवहार प्रतिपादक है और प्रतिपाद्य है निश्चय। प्रति जो करने वाला है ना उसका नाम पहले ना, प्रतिपादन करने वाला है, प्रतिपादन करने वाला, और कर्ता प्रतिपादन किसका है? निश्चय का। तो व्यवहार निश्चय में संबंध हुआ प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। अब कहा कि निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है, निश्चय पहले व्यवहार निश्चय कहा था, अब निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? हाँ बहुत बढ़िया, देखो सबको याद है, निषेधक निषेध, निषेधक निषेध, निषेधक माने निषेध करने वाला। पहले प्रतिपादन करने वाला लिया था तो व्यवहार पहले लिया, अब निषेधक माने निषेध करने वाला, तो निषेध करने वाला कौन है? निश्चय। और किसका निषेध करता है? व्यवहार का। तो व्यवहार निषेधक है, तो ऐसे कैसे निषेध करता है ये? पहले तो प्रतिपादन किया और अब निषेध करता है। हाँ निश्चय उसको निषेध करता है, निश्चय क्या कह, किसा व्यवहार ने ऐसा कहा कि ऐसा है, ये निश्चय का स्वर, ये निषेध कर, कुछ भी कहे व्यवहार, कुछ भी कहे, अरे यहां तक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कहे तो निश्चय कहता कि नहीं। लो ऐसे व्यवहार निश्चय और निश्चय व्यवहार में ये जो कहा ना, दो अलग अलग कोई चीज नहीं है, ये तो मुख्यता से कथन है कि जब हम पहले व्यवहार को कहेंगे तो इस तरह के कथन घटित होंगे, जब निश्चय को मुख्य करके कहेंगे, पहले करके कहेंगे तो इस तरह की बात घटित होगी। बस देखो इस प्रकार जगत तो मलेच्छ के स्थान पर होने से और व्यवहार नए भी मलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का प्रतिपादित कहने वाला है, इसलिए व्यवहार नए स्थापित करने योग्य है। काहे के लिए? प्रतिपादन करने के लिए। बस स्थापन करना काहे के लिए? कि इस निश्चय का प्रतिपादक हो, ये प्रतिपादन निश्चय का करे, तो बस इतना कि और क्या हो सकता है? कि इससे एक चीज और हो सकती है कि तुम व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया तो अनुसरण तो करना चाहिए था निश्चय का, और तुम व्यवहार का अनुसरण करने लगे तो मिथ्या दर्शन ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए उसको स्थापित तो करना पर अनुसरण नहीं करना उसका, ये कहना है। देखो किंतु ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, वो मलेच्छ था ना जिसको संबोधन किया, तो ब्राह्मण मलेच्छ नहीं, ऐसे ही व्यवहार से निश्चय कहा तो इसको व्यवहारी नहीं हो जाना चाहिए कि इसने व्यवहार ने प्रतिपादन किया तो व्यवहारी हो जाए खुद, ये बात कहते हैं। इस वचन से व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य, देखो अब मार्मिक बात, व्यवहार ने स्थापित करने योग्य है पर अनुसरण करने योग्य, तो अनुसरण करने योग्य कौन है? कि जिसका व्यवहार नए ने प्रतिपादन किया है। क्या गजब की बात है, देखो व्यवहार ने जिसका, सोनाना जी समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कठिन लग रहा है गाथा छठी सातवीं जैसी नहीं, सरल है ही गाथा, तो अभी तो गाथा सरल आएंगी थोड़ी। जिसका प्रतिपादन किया है व्यवहार ने उसका अनुसरण करना, व्यवहार का अनुसरण नहीं करना, कैसे?
कि जैसे उन्होंने आचार्य ने मलेच्छ भाषा में समझाया तो मलेच्छ नहीं हो गए हैं, वो ऐसे व्यवहार से समझाया तो वो व्यवहार अनुसरण करने योग्य हो गया है, ऐसा नहीं है। ऐसी गजब गाथा है, देखो ये अनुसरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुसरण करने से तो राग होता है, और राग में उपादेय बुद्धि हो तो मिथ्या दर्शन होता है, ये होता है, सम्यक से दूर हो जाता है। लोग शुद्ध न्याय को नहीं जानते, क्योंकि शुद्ध न्याय का विषय अभेद एक वस्तु है। क्यों, अब यहाँ पंडित जी ने थोड़ा सा विस्तार लिया। वो जो पहले कहा था ना, दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त हो, वहाँ सिर्फ इतना ही लेना कि वो जो आत्मा बताने वाले हैं वो दर्शन ज्ञान चारित्र, राग वाला आत्मा, शरीर वाला आत्मा, ये नहीं लेना, वहाँ नहीं लेना। यहाँ थोड़ा विस्तार करते हैं। लोग शुद्ध न्याय को नहीं जानते, क्योंकि शुद्ध न्याय का विषय अभेद एक वस्तु है, और व्यवहार न्याय का विषय, व्यवहार न्याय के विषय तीन छठी गाथा में है, एक सातवीं गाथा में है, और सारे व्यवहार न्याय के विषय है। चार विषय, शरीर भी आत्मा नहीं, संयोग आत्मा नहीं, कर्म आत्मा नहीं, राग आत्मा नहीं, एक कोई आत्मा नहीं, ऐसे सबका भेद कर करके ये सब व्यवहार। शुद्ध न्याय का विषय तो अभेद एक वस्तु है, किंतु वे अशुद्ध न्याय को ही जानते हैं, अनादि से किसको ही जानते हैं, शरीर वाला मैं हूँ, राग वाला मैं हूँ, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा था ना छठी गाथा में, वो ऐसा अनादि से जानते, तो किसको नहीं जानते, शुद्ध न्याय का विषय जो एक अखंड वस्तु अभेद वस्तु है उसको नहीं जानते, क्योंकि उसका विषय भेद रूप अनेक है। किसका विषय, अशुद्ध न्याय का विषय तो भेद रूप अनेक है, अनेक प्रकार है, इसलिए वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ समझ सकते, क्योंकि व्यवहार को समझते हैं वो। व्यवहार को क्या समझते हैं अनादि से, के व्यवहार की भाषा समझते हैं, तो पर व्यवहार जिसका प्रतिपादन करता है उस अभेद अखंड एक वस्तु निश्चय को नहीं जानते, तो व्यवहार के द्वारा उनको अखंड एक अभेद आत्मा को बतलाना है, इसलिए वे व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझ सकते हैं। अतः व्यवहार न्याय को परमार्थ का कहने वाला जानकर व्यवहार को परमार्थ माने निश्चय का कहने वाला, जो प्रतिपादक प्रतिपादी कहा ना, ऐसा कहने वाला जानकर उसका उपदेश दिया है, व्यवहार का उपदेश दिया है, काय के लिए, अभेद को ग्रहण करने के लिए। व्यवहार का उपदेश दिया, भेद का उपदेश दिया, भेद को ग्रहण करने के लिए नहीं दिया है, ये कहा। परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है, इसका अर्थ ये चेताते हैं, देखो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ व्यवहार का अवलंबन कराते हैं। क्या कहा, व्यवहार से उपदेश दिया पर अभेद समझाने के लिए भेद का उपदेश दिया है, व्यवहार का उपदेश, भेद का उपदेश अभेद के लिए है, भेद के लिए नहीं है, भेद समझने के लिए नहीं है, भेद से अभेद समझने के लिए है, ये कहा। यहां यह नहीं समझना चाहिए कि यहां व्यवहार का आलंबन कराते हैं, आलंबन नहीं कराते हैं, व्यवहार का आलंबन तो वास्तव में जीव को अनादि से है, व्यवहार का आलंबन, तो फिर व्यवहार का आलंबन है तो थोड़ा सा उपदेश दे के ठीक है, नहीं कि वो व्यवहार का आलंबन अलग चीज है, व्यवहार का उपदेश अलग चीज है। व्यवहार का आलंबन है कि व्यवहार के जितने विषय हैं उन सब को परमार्थ मानना, ये शरीर मैं हूँ है व्यवहार का विषय, पर ये तो मानता है परमार्थ कि शरीर मैं हूँ, ये राग मैं हूँ, शुभाशुभ भाव मैं हूँ, ये है विषय व्यवहार का, पर ये कैसा मानता है, उसको परमार्थ मानता है, परमार्थ ऐसा ही आत्मा है ऐसा मानता है। व्यवहार का आलंबन कराते हैं, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार का आलंबन कराते हैं, प्रत्युत, प्रत्युत माने बल्कि व्यवहार का आलंबन छुड़ाकर, कि कैसे आलंबन, कि व्यवहार से उपदेश दिया काय का, अभेद का, निश्चय का, तो निश्चय को पकड़ ले तो व्यवहार का आलंबन छूट जाएगा, ये उपदेश है।
प्रत्युत व्यवहार का आलंबन छुड़ाकर परमार्थ में पहुंचाते हैं। यहाँ यह समझना चाहिए, व्यवहार का उपदेश से व्यवहार ग्रहण करने योग्य है ऐसा नहीं समझना चाहिए। व्यवहार से अभेद परमार्थ बता रहे हैं तो व्यवहार से उसको पकड़ना चाहिए और व्यवहार का आलंबन फिर नहीं रहता है। इसका नाम है कि व्यवहार का आलंबन छूट जाता है, या कहते हैं कि व्यवहार का आलम छुड़ा देते हैं। ऐसी ये इस प्रकार आठवीं गाथा की बात पूरी हुई। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिचानि, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिचानि, हम छिन मोरति आत्म की महिमा है, रागादिक दुख कारण जाने।